तेलंगाना की गवर्नर तमिल साई सौंदर राजन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जी किशन रेड्डी जी, स्वयं बापूराव जी, पी शंकर जी, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीज, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य हैं, और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं। मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और साथ ही सभी देशवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इसे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी, इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 नए नेशनल हाईवे का भी शिलान्यास हुआ है। रेल और रोड की इन आधुनिक सुविधाओं से इस पूरे क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी। इससे यात्रा का समय कम होगा, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अनगिनत नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है।